दशहरे के पावन पर्व जो कि बुराई के प्रति अच्छाई की जीत का प्रतीक है, आज राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के चरित्र पर आधारित धारावाहिक और फीचर फिल्म के भजनों और गीतों का रिकॉर्डिंग जुहू में स्थित सुरेश वाडेकर जी के स्टूडियो में हो रहा है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए अभिमान की बात है, स्वाभिमान की बात है कि आज हमारे कुलदेवता राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के जीवन चरित्र पर एक बहुत ही सुंदर धारावाहिक और फीचर फिल्म मुकेश आर चौकसे के द्वारा निर्मित की जा रही है, जिसके गीतों और भजनों की रिकॉर्डिंग जुहू में स्थित विश्वविख्यात गायक श्री सुरेश वाडेकर जी के स्टूडियो में अभी संपन्न हो रहा है। गाने के जो बोल हैं, गाने के जो लाइन हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने 16 करोड़ स्वजातीय देवतुल्य भाइयों और बहनों को कि जब वो सुनेंगे, जब वो आखिरी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो एक बहुत सुखद अनुभूति आपको अपने देवता के बारे में जानकर महसूस होगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये पिक्चर, फीचर फिल्म और ये धारावाहिक पूरे भारतवर्ष में एक अपना अलग स्थान बनाएगा, एक अलग मुकाम बनाएगा और हम स्वजातीय भाइयों और बहनों को गर्व की अनुभूति कराने का विषय बनेगा। मैं भगवान कार्तवीर राजराजेश्वर सहस्त्र अर्जुन से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुकेश आर के चौक से जो कि ये फिल्म बना रहे हैं, धारावाहिक बना रहे हैं, उनका ये प्रयास सफल हो और ये जो फीचर फिल्म है और धारावाहिक है एक अलग मुकाम बनाए, एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए। निश्चित रूप से सुरेश वाडेकर जी जैसे प्रख्यात गायकों के गायक के माध्यम से ये आज इस स्टूडियो में अभी अंदर हम लोग थे, क्योंकि वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं तो वहाँ का भी लाइव प्रसारण आपको हम दिखाते, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नज़ारा था और जो गीत के बोल हैं वो कर्णप्रिय और दिल को बिल्कुल आनंदित कर देने वाले हैं। मेरी एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दशहरा के पावन पर्व पर कि ये पिक्चर, ये धारावाहिक सफल हो और ये बहुत अच्छा मुकाम स्थापित करे पूरे भारतवर्ष में। बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय। बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय। बोलिए भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जय। पर जो स्थित सुरेश जी, सुरेश वाडेकर जी के स्टूडियो में हमारे हम जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज विश्व विजेता सम्राट चक्रवर्ती भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्त्र अर्जुन के ऊपर लिखे गए भजन और आरती के आज रिकॉर्डिंग है। यहाँ समाज के हमारे वरिष्ठ अटल जी हैं और जयसपाल साहब है, डॉक्टर जयसपाल साहब है, बुकर साहब है, जयसपाल साहब है आयुर्वेदिक वाले, और कुलदीप जी हैं और तिलोकनाथ जी हैं और जयसपाल साहब है और अपने भूषण जी है और नितिन चौकसे जी हैं, जो हम लोग यहाँ पर आज गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गाना रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये बहुत ही अलग किस्म का गाना और आरती होगी जो विश्व के अंदर कभी ऐसा नहीं फिल्माया, नहीं देखा होगा और ना ही ऐसी आरती सुनी होगी, क्योंकि आरती जितनी भी है सबका म्यूजिक रिपीट होता है, चाहे वो चालीसा हो, चाहे माता जी की आरती हो, चाहे हनुमान जी की आरती हो, चाहे राम जी की आरती, ये सबके म्यूजिक रिपीट होते हैं, लेकिन भगवान सहस्त्रबाहु जी पे जो आरती और ये भजन हो रहा है ये अलग म्यूजिक, फ्रेश म्यूजिक बना है और ये सीरियल है, 200 एपिसोड का सीरियल है, 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है, जो हमारे समाज, हमारे कल्चुरी देववंशी समाज, हमारे समाज में चौकसे, जयसपाल, राय, गुप्ता, मालवी, खत्री, तमाम कलाल, कल्चुरी, कलाल, कलवार समाज है, बहुत बड़ा विघट है, करीब 35 पूरे अगर मिलाए सहस्त्रबाहु जी के वंशज तो 35 करोड़ के ऊपर है सब मिलाकर, तो आज उनके बीच के पहली बार विश्व में ये फिल्म और सीरियल उनके ऊपर बनने जा रहा है। वैसे 1999 में मैंने सीरियल दूरदर्शन के लिए बनाया था भगवान सहस्त्रबाहु जी के ऊपर ही, जो 13 एपिसोड था, तो काफ़ी जमा एक नई स्टाइल में नई लेके, जो हमारे बाहुबली के अंदर महिष्मती बताया, जो महेश्वर बताया है वो वहीं का है और सहस्त्रबाहु जी का जन्म वहीं हुआ था और सारा पूरा उनकी लाइफ, उनने क्या किया ये हम उस फिल्मों के माध्यम से, उस सीरियल के माध्यम से दिखाएंगे और समाज के पूरे लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं,
और सब तो मैं अटल जी से पुनः कहूँगा कि इस सीरियल को बनाने में सभी समाज के वासियों से मेरा यही निवेदन है कि सहयोग करें और आगे बढ़ाएं और विश्व के अंदर पताका फहराएं और दुनिया को दिखे कि भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन कौन थे, हम किसके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं। छोटे नहीं है ये सत्ययुग के राम जी भी बाद में, बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, राम जी भी बाद में, हनुमान जी बाद में, ये उनके भी पहले। रावण को 6 महीने माहेश्वर के अंदर, माहिष्मती के अंदर, जो आज माहेश्वर इंदौर के बाद में, वहाँ रावण को 6 माह तक बंदी बना के रखा था सहस्त्रबाहु अर्जुन जी ने। तो ये रामायण में, गीता में, सबके अंदर है कि जब हनुमान जी के श्रीलंका, लंका में जाते हैं तो वहाँ पर रावण से पूछा जाता है कि तू किसका मतलब युद्ध जीता है, आज तक कभी रावण ने जीत किसी से नहीं जीता, तो ये उसमें जिक्र है, सारा सत्ययुग में जिक्र, तो हम उसके ऊपर ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। और हम सबसे समाज से गौरवित हैं और हम चाहेंगे समाज कल्चरी समाज है, वंशी कलाज कलाल कलवार कलार समाज जो हमारा है वो आगे आए और सब मिलकर इसमें करें। मेरे अकेले का बस कर नहीं है ये इसमें जिस तरह भगवान के 1000 हाथ हैं, इन सत्यभाव इसलिए कहा कि दत्तात्रेय भगवान के शिष्य थे, उनने सबसे उसने वरदान लिया था, ये वरदान में उनको 1000 हाथ की शक्ति मिली, 1000 हाथ नहीं थे, 1000 हाथ की उनमें शक्ति थी और रावण से भी युद्ध किया, तो उन्होंने अपनी कल्पना पूरी सारी चीज़ दिखाई। और कृत्रिम वर्षा के आविष्कारक आज जो हम लॉकडाउन जो मोदी जी ने लगाया है, तो ये लॉकडाउन जिस तरीका मोदी जी ने लगाया, और मोदी जी बोलते हैं कई मीटिंग में, मोदी जी ने बोला कि मैं उस भगवान के देश का हूँ जहाँ पर उनके 1000 आते मेरे 130 करोड़ आते, ये मोदी जी बोलते हैं हम सभा में बोलते हैं। तो ये हम उस तरह के जो लॉकडाउन लगा, ये बीमारी आई तो उनके ज़माने में आ चुकी है, उन्होंने ये बीमारी का भी जो फिल्मों में सीरियल में दिखाया। तो सभी लोगों से ही सभी मेरी प्रार्थना है कि आप सब आगे आइए, आगे बढ़िए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये सब कम्युनिटी का, कम्युनिटी की तरफ से हमने 2007 में ऐसा एक बड़ा सम्मेलन लिया था शिवाजी पार्क में मुंबई में, जबकि 70,000 के करीब लोग हमारे सारे कम्युनिटी के भारत भर से वहाँ पे आए हुए थे। आज मुकेश जी ने और जैन जी ने मुझे बताया कि ये प्रोग्राम है तो यहाँ पर आ जाइए, तो आने के बाद बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो विख्यात गायक है सुरेश वाड़कर जी, उनका ये आजीवन स्टूडियो है जहाँ पर उनकी खुद की स्टूडियो है, वो उनकी खुद की आवाज़ में आज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के भजन और गाने की रिकॉर्डिंग होने जा रही है। बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है और आज दशहरे का बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है और मुझे लगता है कि इस शुभ मुहूर्त पे जो भी चलता है वो आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम आप सब ये मिलके प्रार्थना करें सहस्त्रबाहु अर्जुन जी से कि जिस कदर उनका पराक्रम पूरे भारतवर्ष में हुआ था, उसी कदर ये सीरियल और ये फीचर फिल्म पूरे भारतवर्ष ही नहीं तो पूरी दुनिया भर में फैले और लोगों को पता चले कि हमारे पूर्वज कौन थे। बहुत सहस्त्रबाहु जी के वंशज कौन कौन है, क्योंकि इनके बारे में शायद आप लोग भी आज पहली बार देख रहे होंगे। तो हमारी जो समाज फैली हुई है, हमारे जो पहले हुए नाना पाटेकर, ये हमारी समाज के कल्चुरी कलाल कलवार के, अर्चना पूरन सिंह, गोविंदा आहूजा जो गोविंदा भी इनके थी, गोविंदा राजेश खन्ना जो शांत हो गए, और प्राण साहब सिकंदर जो हमारी समाज के थे, हमारे हम मतलब हमारी मेजोरिटी के, और सुमन तलवार जिसने अभी रजनीकांत के साथ वो करिए शिवाजी द बॉस, ये हमारी कल्चर के, जो डॉक्टर राजकुमार थे जो उनके साथ हो कर्नाटक जो शांत होगा जिसको वीरप्पन ने किडनैप किया था, उनके लड़के शिवा राजकुमार पूरन राजकुमार, ये हम सब हमारी कम्युनिटी के, हमारे समाज के ये लोग। तो ये समाज बहुत बड़ा है, बहुत विख्यात है, मतलब 33 करोड़ के भी ऊपर पूरा समाज जाता है अगर मिला जाए। सहस्त्रबाहु के वंशज इतने फैले हुए, शाखा है विभिन्न विभिन्न शाखाएँ, 1000 जैसे हाथ थी तो 1000 शाखाएँ इनकी फैली। एक बात मैं और आपको बताऊं कि जिनका नाम पूरे विश्व में चलता है उद्योग में, शिव नाडर, शिव नाडर जिनके यूएस विश्व के तीसरे नंबर पे, वो विश्व में तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो शिव नाडर अपनी कम्युनिटी। और मुख्यमंत्री जो कामंत थे कामंत नाडर जी, विश्व के माने हुए ईमानदार मुख्यमंत्री, वो भी हमारे, और अभी केरला के जो मुख्यमंत्री है वो भी हमारी समाज के, और बिहार के डिप्टी सीएम है, पांडिचेरी के सीएम भी हमारी समाज के, डिप्टी सीएम पटना बिहार वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार संजय जायसवाल, बहुत महान महान विभूतियां हैं, केंद्रीय बंदरगाह, और श्रीपद नाइक जी भी हमारे समाज के, अपने गोवा के जो श्रीपद नाइक जी है मंत्री सांसद है, वो भी हमारी समाज के, वो आज आने वाले थे लेकिन किसी कारण से। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोगों की सभी की शुभकामनाएं हैं कि ये धारावाहिक और ये फीचर फिल्म खूब सफल हो, और मुकेश जी आप इसमें लगे हुए हैं, हम सभी लोगों का पूरा पूरा तन मन और धन से सहयोग। हाँ ये बात मुझे, थैंक यू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर संतोष जायसवाल खारगर नई मुंबई से मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन के ऊपर
फिल्म बना रहे हैं और उनकी जानकारी हमें दे रहे हैं। इस न्यू जनरेशन को, इवन हमारी जनरेशन को भी अभी तक सहस्त्र बल अर्जुन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इवन इतिहास में भी हमें पढ़ाया नहीं गया कि सहस्त्र बल अर्जुन कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि यहाँ तक कि मनोज कुमार की पत्नी, वो भी हमारे कल्चुरी समाज की ही है, मनोज कुमार जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा सर हम आपके समाज से ही हैं। हमने कहा सर बड़ी अच्छी बात है सर, तो हम चाहेंगे कि मुकेश जी हमारे मनोज कुमार जी से भी और ऊपर चले और इसमें जो हमारा सहयोग हो, हमारे समाज का सहयोग हो, छोटा छोटा एक एक फूल भी करेंगे, एक माला बन जाएगी और माला कल जी मुझे पीना है। चलिए धन्यवाद जी, थैंक यू सर। तीन लोक 14 भुवन फैला है यश गान, हुआ न कोई होगा जग में दत्तात्रेय शिष्य के समान। ओम जय सहस्रार्जुन भगवान, जय श्री सहस्रार्जुन भगवान। ओके सुरेश वाडकर, बहुत खूबसूरत एक गाना हमने आज रिकॉर्ड किया है। इसके राइटर डायरेक्टर हमारे मुकेश जी चौकसे जी हैं और नसराज जी इसके संगीतकार हैं। बहुत ही सुंदर गाना बनाया है विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट कार्तीय वीर्य भगवान श्री राज राजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन। ये आपने इनके बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने रावण जी को भी अपनी कैद में रखा था 6 महीने के लिए। ये बहुत बड़े ये महापुरुष हुए हैं जिनके ऊपर ये सीरियल बन रहा है। मुझे उम्मीद है ये सीरियल आपको बहुत पसंद आएगा और चौकसे साहब बहुत मेहनत करने वाले हैं। इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ इसके पहले भी और मैं इनको बहुत बहुत दुआएं देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और इनके लिए मेरी गुड विशेस मैं जाहिर करता हूं। और ये जल्दी से जल्दी ये सीरियल कंप्लीट होके हम सबके सामने आ जाए और हम इसका आनंद लें। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ चौकसे साहब आपको और इसके प्रोड्यूसर जो भी होंगे और संगीतकार, बहुत सुंदर तर्ज बनाई है हमारे भाई ने और नसराज इनका नाम है, बड़े होनहार हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप जल्दी से देखिए ये हमारा खूबसूरत सीरियल। धन्यवाद, नमस्कार। ओके, ये जो भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन पे आरती और भजन लिए हैं ये लिखे ही गए हैं सुरेश जी के लिए। सुरेश वाडकर जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, डॉक्टर इरफान से सबसे जुड़ाव थे और जय ओंकार जी, जो भी मैं फिल्म करता हूँ तो म्यूज़िक डायरेक्टर असराज जी हैं, तो हम लोग बिल्कुल मन में दिमाग रख के ही बनाते हैं कि ये गाना सुरेश वाडकर जी ही गाएंगे, उसके सिवा कोई गा नहीं सकता। क्योंकि ये जो आरती आज गाई है ये मतलब जब पूरी कंप्लीट होके जब ये रिलीज होगी और स्क्रीन पर देखी जाएगी और इसको जब सुनेंगे तो ये दिल को छुएगी।
दुनिया में जितनी भी आरती हुई है सब हुई है, लेकिन ये जो आज सूरज जी ने गाई है, और शायद सूरज जी जब बहुत मतलब शस्त्र बाबू जी हजार भुजाएँ, तो सूरज जी की हजार मतलब भुजाओं की ताकत से पूरी विश्व के अंदर ये आरती चलेगी और लोग इसको देखेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत से। और सूरज जी ऐसा नहीं लगता है कि कोई इनके साथ कोई म्यूजिक डायरेक्टर नया या डायरेक्टर नया, लेकिन ये उसी तरह से फिल्म करते हैं और पूछ पूछ के कि इसमें ऐसा करना है, इसको गायकी सिखाए, इसमें ये गाए, और मतलब जब तक सुरेश वाडकर जी ये बैठे हैं, जब तक ये संतुष्ट नहीं होते ओके नहीं बोलते, भले ही म्यूजिक डायरेक्टर बोले ओके सर ये बोलते नहीं फिर से एक बार करें, ये सबसे अच्छा इनका ये है। इसलिए हम हमेशा मेरी हर फिल्म के अंदर दो गाने सुरेश वाडकर जी के रहते हैं, क्योंकि मैं इनकी बचपन से काफ़ी धार्मिक चीज़ें सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना सुरेश जी से ही कराना, और अभी अचानक शेड्यूल जमा है परसों हमारा और सुरेश जी ने अनुमति दे दी, तो ये आज हो गया 15 अगस्त अपने दशहरे के दिन में, और ये हमारे समाज के लिए गौरव के लिए बड़ी बात है कि आज सुरेश जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे भगवान शस्त्र बाबू जी के लिए अपनी मूर्ख मुख वाणी से ये इस गाने को गाया, और बहुत अच्छे मतलब सरस्वती जी इनके लब पे बैठ गई ये सबसे। थैंक यू। ये मुकेश जी फिल्म है सीरियल है या क्या? ये फिल्म और सीरियल दोनों। शूटिंग भी कुछ चालू की है सुना है? नहीं अभी शूटिंग नहीं, अब शूटिंग शुरू स्टार्ट करूँगा मैं 11 नवंबर को जयंती है शस्त्र बाबू जी की, उसके बाद क्योंकि इसमें बॉलीवुड के अपने साउथ के बड़े कलाकार हैं सुमन तलवार हैं, वो हमारी समाज के शस्त्र बाबू जी के वंशज मुख्य भूमिका में है, वो मुख्य मेन कैरेक्टर शस्त्र बाबू जी का वही कर रहा है, और प्रीति चौक से उनकी वाइफ का रोल कर रही है जो काफ़ी फिल्में कर चुकी है, काफ़ी बड़े हैं हमारे समाज के लोग। गोविंदा जी इसमें कर रहे हैं शस्त्र बाबू जी के फादर का रोल, वो भी हमारे समाज के हैं, शस्त्र बाबू जी के वंशज हैं, नाना पाटेकर हैं, काफ़ी लोग हैं इसके अंदर। हर्ष जी आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक तो इतना अच्छा गाना बनाने का मौका मिला और सुरेश जी के साथ काम करने का मौका मिलता है मुझे, इसके लिए मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके का कंपोजिशन चाहता हूँ उसी तरीके का कि सुरेश जी के लिए जब वो गाते हैं उनका कोई भी भजन सुनता हूँ या कोई भी आरती सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में ही बैठ जाता है कि सुरेश जी गाने वाले हैं तो सुरेश जी के हिसाब से ऐसा जमेगा वैसा जमेगा, तो मैं उस तरीके से अपनी तैयारी करता हूँ। मैं कई बार कंपोजिशन चेंज करने के बाद तो फाइनल जब आता हूँ तब जाके लगता है कि हाँ अब सुरेश जी के आवाज़ में ये बैठेगा, तो इस तरीके से बनाता हूँ। बहुत मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि ऐसा काम करने का मौका मिल जाए, तो बस अच्छे से चले, ये सबके नज़र में आए और सब लोग देखे खुश हुए, बस ऐसे चलते। क्योंकि कोई भी चीज़ हिट होगी वो सिंगर से हिट होगी, ये तो बहुत अच्छी जाती है वो, लेकिन जब तक एक सिंगर उसको लयबद्ध तरीके से दिल से सुर से गले से नहीं गाएगा, दिल और दिमाग से उसको डूब के नहीं गाएगा, तो वो चीज़ हिट नहीं होती। तो वो हिट जो हो जाएगी ये आरती शस्त्र बाबू जी की, तो सुरेश जी के कारण, और बड़ा नाम है और पहचान है दुनिया में सुरेश जी का, मतलब वह माता रानी इसको बहुत बहुत यश दें, और आज दशहरे के दिन ये गाना रिकॉर्ड किया मेरी तरफ से और हमारी इस पूरी टीम की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलो थैंक यू।